प्रेरणा कथा राजा भोज और लकड़हारा। एक शाम राजा भोज नदी के किनारे किनारे टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का एक गट्ठर सर पर उठाए चला जा रहा था। राजा ने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति पसीने से भीगा हुआ था, परंतु उसके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष झलक रहे थे। राजा भोज ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो भाई? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं राजा भोज हूं। क्या? मैंने कहा ना, मैं राजा भोज हूं। राजा भोज ने हैरान होते हुए फिर पूछा, अगर तुम राजा भोज हो तो अपनी आमदनी बताओ। उस बूढ़े लकड़हारे ने राजा भोज से कहा, मैं प्रतिदिन 6 पैसे कमाता हूं। राजा भोज ने फिर से कहा, 6 पैसे कमाकर तुम अपना जीवन और अपना राज्य कैसे चला लेते हो? बूढ़े लकड़हारे ने गर्व से कहा, मैं प्रतिदिन 1 पैसा अपनी पूंजी के मालिक को दे देता हूं, 1 पैसा मैं ऋणी को देता हूं, 1 पैसा मैं मंत्री को देता हूं, 1 पैसा मैं बचा कर रख लेता हूं, 1 पैसे को मैं अतिथियों पर खर्च करता हूं और 1 पैसा अपने और अपने परिवार के खर्च के लिए रख लेता हूं। राजा भोज ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया थोड़ा विस्तार से बताइए। बूढ़े लकड़हारे ने कहा, मेरी पूंजी के मालिक मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे पालने पोसने में खर्चा किया था, मेरे बच्चे ऋणी हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे वो भी ऋण चुकाएंगे, मेरी मंत्री मेरी पत्नी है और वही घर चलाती है, वो मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है, मैं उसकी सलाह से ही सब कुछ करता हूं। राजा ने कहा, और बचत कितनी करते हो? बूढ़े ने कहा, मैं हर दिन 1 पैसा अपने खजाने में बचा कर रख देता हूं, 5वां पैसा मैं अतिथियों के सत्कार के लिए रख देता हूं और अंतिम 1 पैसा मैं अपने पास रखता हूं और दैनिक खर्च चलाता हूं। राजा भोज समझ गए कि वो व्यक्ति इतना बूढ़ा और गरीब होकर भी इतना प्रसन्न क्यों था। उस बूढ़े को जीवन संचालन करने और प्रबंध कला की जानकारी थी। राजा भोज ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीब या अभाव में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने पैसों को कई स्थानों पर अलग अलग रखा था। ऐसे व्यक्ति जो माता पिता को भी देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, पत्नी को भी देते हैं, अतिथियों के लिए भी रखते हैं, बचत भी करते हैं और अपने लिए भी पैसे रखते हैं, उनके धन में वृद्धि ही होती है। हो सके तो हमारे छोटे छोटे वीडियोज को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।